अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको लेके आए हैं DHA फेज़ 8 लाहौर, जहाँ हम विज़िट करेंगे 10 मरला स्पेनिश हाउस जो कि सेल के लिए अवेलेबल है। व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले फ्रंट एलिवेशन साइड पर देखें तो कम्प्लीटली यहाँ पर हमें रॉक वॉल के यूज़ के साथ जो मोल्डिंग वर्क का यूज़ मिल जाता है, राउंड फॉर्म के अंदर इसको डिज़ाइन की गई वेंटिलेशन के लिए। और रेलिंग की बात करें तो यहाँ पर सॉलिड जो आयरन के साथ इसकी रेलिंग डिज़ाइन की गई। ये इसका एक्सटर्नल लॉन का एरिया डिज़ाइन किया गया और ये इसका खूबसूरत डोर जो डिज़ाइन किया गया वो भी स्पेनिश तरह से डिज़ाइन किया गया। जी व्यूवर्स, ये इसका गराज का एरिया डिज़ाइन किया गया जिसमें इजीली दो बड़ी गाड़ियां पार्क की जा सकती हैं। फ्लोरिंग पर सेम पैटर्न का टाइल वर्क है। राइट साइड पर इसकी वॉल डिज़ाइन की गई है जिसमें अंदर टाइल वर्क के साथ हमें आर्टिफिशियल ग्रास का यूज़ देखने को मिल जाता है। स्पेनिश तरह से इसकी सीलिंग डिज़ाइन है, ओवरव्यू कर लें। और इस तरफ जो इंटरनल लॉन का एरिया डिज़ाइन है उसके अंदर भी आप देखें तो प्लांटर्स के साथ ग्रास डिज़ाइन है और आर्टिफिशियल वॉल हमें यहाँ भी मिल जाती है। एंट्रेंस पर देखें तो खूबसूरत कस्टमाइज जो डोर डिज़ाइन किया गया है सॉलिड वुड के अंदर, इसकी कस्टमाइजेशन की गई है। आयत क्रीमा यहाँ पर डिज़ाइन मिल जाता है मोज़ेक वर्क के अंदर। यहाँ से हम अंदर एंटर होते हैं तो राइट साइड पर देखें तो पाउडर रूम की अवेलेबिलिटी दी गई है, फुली टाइल्ड पाउडर रूम और इसके साथ कमोड और बेसिन की अवेलेबिलिटी है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर देखें तो ड्राइंग एंड डाइनिंग का एरिया डिज़ाइन है। एंटर होते हैं तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं राइट से लेफ्ट तक कम्प्लीटली मोल्डिंग वर्क के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पर बड़े साइज के अंदर वेंटिलेशन विंडो इसकी अवेलेबल है। गोल्डन कलर पैटर्न यूज़ किए गए हैं। वॉलपेपर की बात करें तो वाइट एंड गोल्डन जो पैटर्न हैं यहाँ भी हमें देखने को मिल जाते हैं। फायरप्लेस एरिया यहाँ पर डिज़ाइन इसका मिल जाता है। और फ्लोरिंग की बात करें तो फ्लोरिंग आप देखें तो वुड के अंदर इसकी फ्लोरिंग की गई है। यहाँ से हम अंदर एग्जिट करते हैं, सॉरी बाहर की तरफ एग्जिट करते हैं तो आते हैं यहाँ पर टीवी लॉन्च एरिया की तरफ। इसमें भी आप देख सकते हैं कम्प्लीटली स्पेनिश चर्च के अंदर इसको डिज़ाइन किया गया और यहाँ पर फायरप्लेस एरिया इसका डिज़ाइन किया गया। उसके साथ आप देखें तो वॉलपेपर के यूज़ के साथ वॉल हैंगिंग लाइट्स हमें देखने को मिल जाती और ये इसकी मल्टीमीडिया वॉल डिज़ाइन की गई है। इसके अंदर भी देखें तो खूबसूरत इसमें डिज़ाइनिंग की गई है। ड्रॉर्स की बात करें तो यहाँ पर इसमें जो यूवी शीट्स यूज़ की गई, पार्टीशन में आप देखें तो CNC डिज़ाइन के अंदर वुड के अंदर इसकी डिज़ाइनिंग की गई और साथ में मर्करी जो ग्लास वो यूज़ किया गया। ओवरव्यू कर लें अगेन और ऊपर इसका सीलिंग डिज़ाइन देख लें। इसके बाद चलते हैं अपने किचन की तरफ जिसमें स्लाइडिंग डोर इसमें यूज़ किया गया किचन के अंदर। ये आप देख लें, ओवरव्यू कर लें। यहाँ से फिर हम अंदर एंटर होते हैं, यहाँ पर भी पार्टीशन में हमें यहाँ पर CNC डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। एंटर होते हैं व्यूवर्स, यहाँ पर शीट यूवी शीट्स के अंदर इसकी डिज़ाइनिंग की गई है किचन की बड़े खूबसूरती के साथ। आप देखें रेंज हुड इंस्टॉल है यहाँ पर और इसके ऊपर यहाँ पर बर्नर अवेलेबल है नीचे इसका और यहाँ पर वेंटिलेशन विंडो इसकी डिज़ाइन की गई जिसकी आउटर वॉल पर सेम जो डिज़ाइनिंग की गई है इसकी वॉल की। इसके बाद एंटर होते हैं इस फ्लोर पर अवेलेबल जो बेडरूम है उसकी तरफ। एंटर होते हैं व्यूवर्स, सामने इसकी फीचर वॉल देखें तो पोशिश वर्क और टाइल पैटर्न के अंदर इसकी जो वॉल डिज़ाइन की गई राइट एंड लेफ्ट साइड पर 3-sided आप देखें तो यहाँ पर हमें पिलर्स डिज़ाइन के अंदर जो इसका मोल्डिंग वर्क देखने को मिल जाता है। और राइट एंड लेफ्ट साइड पर आप देखें तो यहाँ पर भी वॉलपेपर के यूज़ के साथ मोल्डिंग वर्क यूज़ किया गया है। राइट साइड पर इसकी वेंटिलेशन विंडो है जिसकी आउटर साइड पर हमें वॉल डिज़ाइन दी गई है जिसमें अगेन टाइल वर्क और इसमें आर्टिफिशियल ग्रास मिल जाता है इसमें देखने को। यहाँ पर भी जो छोटा सा मीडिया वॉल डिज़ाइन है फीचर्ड वॉल के बिल्कुल अपोजिट साइड पर, इसमें भी आप देखें तो सेम मोल्डिंग वर्क के साथ हमें यहाँ पर इसकी सॉलिड वुड के अंदर मीडिया वॉल डिज़ाइन मिल जाती है। एंटर होते हैं इसके अटैच बाथरूम की तरफ, जकोजी टब बाथ के साथ इसकी डिज़ाइनिंग है। यहाँ पर टाइल वर्क देख सकते हैं, फुली टाइल या बाथ डिज़ाइन किया गया है। डबल इसकी जो वैनिटी डिज़ाइन है गोल्ड एंड वाइट पैटर्न के अंदर। इसके बाद इस साइड पर इसका सेपरेट शावर कैबिन एरिया डिज़ाइन किया गया है। इसमें जो पोटा की एक्सेसरीज यूज़ की गई उसके साथ ग्रोहे की एक्सेसरीज यूज़ की गई हैं। इस साइड पर इसकी जो डिज़ाइनिंग की गई है कबर्ड्स की वो आप देख सकते हैं, यूवी शीट्स के अंदर इसकी भी डिज़ाइनिंग की गई है। इसके बाद चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर पर और वहाँ पर जो अवेलेबल अकोमोडेशन है उसका ओवरव्यू कर लेते हैं। फर्स्ट फ्लोर के लिए स्ट्रेट डिज़ाइन की गई है जिसमें आप देखें तो CNC डिज़ाइन के अंदर इसकी जो रेलिंग डिज़ाइन की गई है। टॉपिंग देखें तो यहाँ पर वुड के अंदर हमें यहाँ पर मिल जाती है। इसकी डबल हाइटेड जो लॉबी है उसका ओवरव्यू करवाते हैं आपको यहाँ से।
ये इसकी डबल आईटी लॉबी, टोटली हैंडमेड लॉबी डिजाइन की गई है। गोल्ड पैटर्न्स यहाँ भी हमें देखने को मिल जाते हैं, गोल्ड एंड व्हाइट पैटर्न का थीम रखा गया है इस घर के अंदर। स्टेयर्स के अंदर आप देखें तो वॉल डिजाइन हमें देखने को मिल जाती है। फ्लोरिंग आप देखें तो बड़े डिफरेंट अंदाज के साथ इसकी फ्लोरिंग पैसेज एरिया की डिजाइन की गई है, और सामने भी हमें वॉल डिजाइन देखने को मिल जाती है जिसमें मर्करी ग्लास के साथ हमें सीएनसी डिजाइन की जो वुड कटिंग मिल जाती है, और बेहतरीन वॉल डिज़ाइन आप देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं फ्रंट एलिवेशन साइड पर, बेडरूम जो फर्स्ट है इस फ्लोर का, इसमें भी आप बोल्डिंग वर्क के साथ आप देखें तो ग्रीनिश वॉलपेपर का यूज हमें मिल जाता है, और साथ में हमें डबल जो इसकी वेंटिलेशन विंडो दी गई है फ्रंट एलिवेशन साइड पर राउंड फॉर्म के अंदर, वो भी ओवरव्यू कर लें। छोटा सा टेरेस एरिया आप देखें तो यहाँ पर डिज़ाइन मिल जाता है। इसके बाद एंटर होते हैं इसके अटैच बाथरूम में, फुली टाइल ये भी बाहर डिज़ाइन किया गया, ऊपर से नीचे तक आप देख सकते हैं। जिगजैग टाइल इसमें यूज़ की गई है स्पेनिश, और सेपरेट शावर कैबिन एरिया, यहाँ पर कमोड की अवेलेबिलिटी है, और इसके साथ इसकी वैनिटी डिज़ाइन की गई है, ऊपर इसका मिरर डिज़ाइन किया गया। इसके बाद चलते हैं पैसेज एरिया से ऑपोजिट साइड पर, यहाँ पर हमें एक छोटा सा टेरेस एरिया दिया गया है, उसके सामने ये सबसे पहले देख सकते हैं व्यूवर्स, इसमें लॉन्ड्री के लिए हमें स्पेस दी गई है, जिसमें एक बड़े साइज़ के ऊपर इसमें प्लांटर्स डिज़ाइन की गई, ऑर्गेनिक प्लांट इसमें यूज़ किए गए, आर्टिफिशियल प्लांट्स नहीं है ये। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर भी हमें सिटिंग एरिया डिज़ाइन किया गया, इसमें बारबेक्यू के लिए स्पेस भी यहाँ पर हमने दी गई है। ओपन करके मैं ओवरव्यू करवा दूँ, प्लांट्स इसमें इंस्टॉल किए गए, इवनिंग्स में आप इजीली यहाँ पर बैठ के अपना बारबेक्यू इंजॉय कर सकते हैं। इसको कनेक्टिविटी दी गई व्यूवर्स पैसेज एरिया के साथ और बेडरूम के साथ। एंटर होते हैं इसके सेकंड बेडरूम की तरफ, इसमें खूबसूरत इसकी फीचर वाल आप देखें व्यूवर्स, जिसमें मोल्डिंग वर्क के साथ आप देखें राइट एंड लेफ्ट साइड पर मोल्डिंग वर्क का वॉलपेपर यूज़ है, और सेंटर के अंदर देखें तो सॉलिड वुड के बाद यहाँ पे पोशिश इसमें की गई है फीचर वाल की। खूबसूरत डोर आप देख सकते हैं, खूबसूरत डोर जिसमें इंस्टॉल किए गए हैं पूरे घर में सॉलिड ही। इस साइड पर भी मोल्डिंग वर्क के साथ वॉलपेपर का यूज़ है, मीडिया वॉल में देखें तो एज यूजुअल सॉलिड वुड का यूज़ किया गया। इसके बाद आते हैं इसके अटैच बाथरूम की तरफ, ये भी अब वाइट एंड ब्लैक पैटर्न्स के अंदर इस डिज़ाइन किया गया है, स्पेनिश टाइल जिसमें यूज़ की गई है वो आप इंटरनल ओवरव्यू भी आपको करवाता हूँ, ये आप देख लें। ग्रोहे और पोटा की एसेसरीज के साथ इसको डिज़ाइन किया गया कम्प्लीटली घर को, और इस साइड पर इसका वैनिटी की अवेलेबिलिटी है, और इसके साथ यहाँ पे हमें कमोड की अवेलेबिलिटी दी गई है। क्लोजेट यहाँ भी हमें डिज़ाइन मिल जाती है यूवी शीट्स के अंदर लेफ्ट वॉल पर, अगेन ओवरव्यू कर लें इसका ऊपर से नीचे तक। इसके बाद चलते हैं अपने थर्ड एंड लास्ट बेडरूम की तरफ, देन इसको वाइंड अप करते हैं। एंटर होते हैं व्यूवर्स, ये इसका थर्ड एंड लास्ट बेडरूम है, फीचर वॉल में देखें तो यहाँ भी हमें पोशिश वर्क का यूज़ मिल जाता है, और बाकी आप कंप्लीटली देखें तो हमें मोल्डिंग वर्क के साथ यहाँ पे वॉलपेपर का यूज़ मिल जाता है। व्यूज आपने एक चीज़ नोट की होगी, तीनों बेडरूम्स के अंदर हमें जो मीडिया वॉल डिज़ाइन मिल जाती है, और वेंटिलेशन के लिए हमें दो से तीन टेरेस और ये चौथा टेरेस जो इस साइड पर अवेलेबल है वो दिया गया है, यानी इस घर में कम्प्लीटली तौर पर जो वेंटिलेशन का है वो पर्पज़ वो फुलफिल होता है बड़े अच्छे तरीके के साथ। ये इसका अटैच बाथरूम है, इसमें भी आप देख सकते हैं खूबसूरती के साथ इसका जो डिज़ाइन दिया गया, इसमें कस्टमाइज वैनिटी आ गई राउंड फॉर्म के अंदर, और इस साइड पर कमोड की अवेलेबिलिटी के साथ लेफ्ट वॉल पर देखें तो व्यूवर्स यहां पर हमें क्लोजर डिज़ाइन मिल जाता है जी। तो व्यूवर्स ये 10 मरला ब्रांड न्यू हाउस जिसका आपने विजिट किया, व्यूवर्स लोकेशन इसकी DHA Phase 8 लाहौर है, और मजीद प्राइस वगैरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे दिए गए सेल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मजीद अगर आप DHA लाहौर के किसी भी फेज़ में 5 मरला 10 मरला 1 कनाल और 2 कनाल के घर या प्लॉट बाय करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए सेल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।